का और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अमेरिका ने डाला पाकिस्तानी आर्मी चीफ के गले में पट्टा, पाकिस्तान मीडिया में मचा कोहराम। हाँ तो अमेरिका अभी भी आया नहीं क्या आर्मी चीफ अमेरिका से फिर रिटर्न, क्योंकि गए हुए करीबन एक वीक हो चुका है। तो देखो भाई, वो कहीं पे भी जाए, वो तो उसका जो दुख दर्द है दुनिया को वो दिखाने जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो दिखाएंगे। हाँ, और अमेरिका ने पट्टा इसलिए डाला क्योंकि अमेरिका ने उसको मुंह पे बोल दिया है कि शांति से रहो और भारत के साथ रिलेशन अच्छे करो और वहां उसके साथ ट्रेड स्टार्ट कर दो ताकि आपका कुछ भला हो, बार बार भीख मांगना ना जाना पड़े और चाइना से थोड़ा लेन देन कम। हाँ, ऐसा भी चाइना से थोड़े दूरी बना के रखो ऐसा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर। मैडम ने रिक्वेस्ट कर दी है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए और सब्सक्राइब की बटन को दबा दीजिए और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक घसपैंडवा हमने भेजा था यहाँ से अपने जहाज में गया था, वो लापता है, तो ये घसपैंडवा है किधर सर? मैं बोलता हूं यही खूबसूरती है हमारे मुल्क की, जिसको इकोनॉमी का दर्द होता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। पाकिस्तान इज बीइंग रन बाय थ्री एज, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। ये लोग सुअर है, सुअर, ये वो टक्कर मारने वाले सुअर है, जंगली सुअर। तो ये देख लें कि अमेरिका ने इसको कोई घास नहीं डाली। मुझे तो लगता है सर ये बहुत सख्त सजा इसको मिल के, उन्होंने कहा ये क्या डक्कन किस्म का गटर का बंदा पाकिस्तान का फौज का चीफ है। और सर उसको मोमेंटो देते हुए भी नहीं दिखाई तस्वीर, होता है ना कि कोई आप एक देते हैं अपना इदारे का मोमेंटो के जी हाथ मिला रहे हैं दे रहे हैं, वो भी नहीं है, वो दो बंदे खड़े हैं, ये हवलदार मेजर टाइप खड़ा है, वो जनरल लगता है। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, ये जमहूरियत की खूबसूरती आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब जाएगा और बॉर्डर पे जाकर के और किसी चेक पोस्ट का मुआयना करेगा तो यहाँ का लफंटर मीडिया खबरें चलाएगा आर्मी चीफ ने अपना दिन जवानों के साथ गुजारा, तो क्या आर्मी चीफ को सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए? आर्मी चीफ का जो काम है वो कर रहा है तो उसको मीडिया कवरेज किस बात की मिल रही है भाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों एक वही एक ये मात्र कंट्री है जो एटमी मुल्क के लिए बोलते हैं, एटमी मुल्क है जहां की आर्मी चीफ को ये इज्जत दी जा रही है और इतनी गालियां पड़ रही है। वो इसलिए पड़ रही है कि भाई जब से पाकिस्तान बना है तब से पता है कि सबको कि वो आर्मी ही रन कर रही है पाकिस्तान को और आर्मी ही चला रही है। और जिस मुल्क में जिस कंट्री में अगर ये हाल रहे कि भाई एक जोर जबरदस्ती के थ्रू कोई भी निज़ाम को कायम किया जाए, कोई भी नियम लागू किया जाए उसके ऊपर, तो वो हाल तो यही होना है। वहाँ के लोग भले ही आप डंडा से डरा सकते हैं लेकिन अपने दिल अपने लिए उसके दिल में जगह कभी नहीं बना सकते। तो वही हाल है पाकिस्तानी आर्मी की आज के डेट में कि लोग डरते जरूर है, बात क्लियर नहीं करते हैं, लेकिन जो एक अंदर में है वो यही इज्जत है जो कि अभी आपको इंट्रो में सुनने मिल गया। तो चलिए देर ना करते, सबसे पहले इस वीडियो को देते हैं, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए देर ना करते, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनको वो उनके अदारे के बाज लोग सिपा सलार भी कहते हैं, वो अमेरिका के दौरे से बल्कि एक्सटेंडेड दौरे से पाकिस्तान को वापस रवाना हो चुके हैं। चूँकि पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान के अदारों के पास कोई ऐसा जेट जो है या फैल्कन जो है या तैयारा दस्तियाब नहीं है कि वो सिंगल फ्लाइट के अंदर अमेरिका पहुँच जाए और उसे रास्ते में फ्यूल डलवाने के लिए रुकना पड़ता है, इसीलिए जनाब जनरल सैयद हाफिज आसम मुनीर शाह साहब बरतानिया भी रुकेंगे। ये अपनी बेइज्जतियां करा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों, व्हाई आर दे सच ग्लटन्स फॉर इंसल्ट्स। देखिए ना, ये जो तस्वीरें शाया हुई है, मुझे तो उस तस्वीर पर बहुत दुख हुआ जब वो एंथनी ब्लिंकन से मिल रहा था, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। अच्छा, जो तस्वीर रिलीज की गई है उसमें ये सब खड़े हुए हैं। नॉर्मली जब कोई गेस्ट आता है जिसको रिसीव किया जाता है तो उसको बिठाया जाता है कुर्सी पर इज्जत की खातिर, यहाँ पर वो खड़ा हुआ है ऐसे मुअद्दबाना अंदाज में, उसने हाथ बांध कर ब्लिंकन के सामने खड़ा हुआ। अरे अपनी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत है? अभी वो एक दो दिन पहले जो है ना ISPR ने ये प्रेस रिलीज इशू किया था कि जी वो इस वक्त वाशिंगटन DC में है और पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो
कोशिश कर रही है कि उसके कोई मुलाकातें हों कांग्रेस मेंबर्स से। अरे भाई अमेरिकन कांग्रेस मेंबर्स को क्या पड़ी हुई है किसी आर्मी चीफ से मिलने के लिए? उन्होंने कहा कि ठीक है वो आया है, पेंटागन के ऑफिशियल से मिला है, सेंटकॉम के हेड से मिला है, वही उनका वो है रास्ता है, वही तरीका है। यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो भी इससे नहीं मिला, उसका डेप्यूटी इससे मिला है। ये तो इन लोगों की औकात हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर सरेंडर किया। आपने नोट किया होगा कि शायद मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाज़ी की क्या औकात है कि वो कश्मीर सरेंडर कर रहे हैं? वो जिन्होंने सरेंडर करना था उन्होंने किया, जो गधे को चला के अमेरिका लेके गए थे उन्होंने करना था, उसके जवाब के अंदर वो अपने लिए कोई स्पेस मांग रहे थे। जिस तरह पिछली दफा कश्मीर सरेंडर हुआ था, इस दफा लगता है कि फलस्तीन सरेंडर हुआ है। यानी कि इन दोनों मौजूदात के ऊपर हमारा जो ट्रेडिशनल स्टांस था, जो तकरीबन हमने 60-65 साल मेंटेन किए रखा है, वो सरेंडर हुआ है। पता नहीं कि ये लोग क्यों नहीं समझते कि अपनी बेइज्जती ये क्यों कराना चाहते हैं। तो ठीक है, अब छोड़ो, जाओ अपने मुल्क जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो बैठकर घूम फिर रहे हो जनाब, इंतजार में बैठे हुए कि अब वो कोई हो सकता है कि अगर कोई कांग्रेसमैन राजी हो जाए इनसे मिलने के लिए। अरे भाई किस खुशी में? तुमने कांग्रेसमैन को क्या कहना है? ना तो तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी है, ना तुम्हारी कोई इतनी अकल है। ये लोग सुअर है, सुअर ये वो टक्कर मारने वाले सुअर है, जंगली सुअर, ये बुल है, आपको मार डालेंगे ये टकरे मार मार के। ये गेंडे की इससे भी ज़्यादा ताकतवर कर दिया है आपने इनको, पाल पाल के नारे मार मार के। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के, कभी आपने देखा है कि किसी कर्नल को, किसी ब्रिगेडियर को, किसी जनरल को तमगाए वो क्या कहते हैं मिला हो, तमगाए हैदर जो है, निशाने हैदर मिला हो? वो सारे के सारे सिपाही शहीद हुए, मेजर या कैप्टन। किसी एक कर्नल ब्रिगेडियर या जनरल का नाम मुझे बता दें जिसने निशाने हैदर लिया हो। क्यों? कि ये दल्ले हैं, ये हरामजादे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्लॉटों, अपनी अपनी कमाई, अपने बाहर की नेशनलिटियों के लिए आते हैं। ये वो बगैरत कौम है, ये वो बगैरत तबका है पाकिस्तान की आर्मी का, 225 लोगों का, जो कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं, पाकिस्तान को अवाम को दबाने के लिए आता है, और इसको शह भी अवाम ही ने दे रखी है नारे मार मार के। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है आम लोगों के साथ, लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों को मार पीट हो रही है, उनको जेलों में ठोस कर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, ख्वातीन की बेइज्जती की जा रही है, ख्वातीन की बेहुर्मत की जा रही है, करोड़ों लोग जो है भूखों मर रहे हैं पाकिस्तान में। ये है इस निजाम का गलीज आउटकम। ये निजाम जो है हमें कोई जस्टिस नहीं दे सकता, ये पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकता, ये निजाम जो है अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नहीं है, बल्कि एक मखसूस टोले के लिए है, चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पुलिस हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, वडेरे हों, सरदार हों, चौधरी हों, वगैरह वगैरह। हमें यूं करना होगा कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है इसको बदलना होगा। वहां पर भी जो है जिस किस्म के ख्यालात और तस्वुरात लोगों के जहन में डाले जाते हैं वो वही कि जी अमरीका जो है हमारा दाता है, अमरीका के बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं, बस अमरीका को खुश रखो, अमरीका से चंद डॉलर आ गए तो बस यहाँ पर भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं। ये गुलामाना ज़हनियत से हमें निकलना होगा, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। इतने दिनों बाद अमेरिका के दौरे फाइनली आर्मी चीफ की, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अब समाप्त तो हो गई है, और वो अब आने की खबर तो मिल रही है, पता नहीं कब तक पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन उसके बीच पाकिस्तान में इतने सारे बवाल जो मचे, उसका भाई कौन जिम्मेदार है वो तो पता नहीं, वहां से सब कंट्रोल हो ही रहा होगा, क्योंकि बिना पूछे तो एक पत्ते तक नहीं हिलेगा पाकिस्तान में, क्योंकि अभी जो हाल है वो सारा इकोनॉमिक से लेके सब कुछ देखने वाले कौन है, एकमात्र आर्मी चीफ सामने किया गया है केयरटेकर को, जो कि केयरटेकर है कुछ लेन देन नहीं है दूर दूर तक, तो बस जाके इंटरव्यू भी देना कहीं भी, और बस यही काम है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर तैयार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते किसी अगले नेक्स्ट और नया टॉपिक पे, तब तक लीजिए हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बोलो मैडम क्या बोले इस पाकिस्तानी आर्मी चीफ को? बहुत बहुत बहुत, मतलब वो बोलते हैं ना सम्मान भरे शब्द हमने तो सुने आर्मी चीफ के लिए। हाँ। बहुत उसकी आवाम तो उसको मतलब बहुत बहुत अच्छे शब्दों से नवाज रही थी। अप्रोक्स कितना बड़ा कटोरा लेके गया होगा ये? हाँ। तुम्हारे हिसाब से बताओ, उसी को साइज होगी कितना बड़ा कटोरा होगा?
मतलब ज्यादा ही वो मतलब होगा उससे तो ज्यादा ही मतलब एक्सेप्ट किया नहीं होगा। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आर्मी शिप की वैल्यू तो देख लो पाकिस्तान में, जिस जिस देश में उसके आर्मी शिप की वैल्यू नहीं है उस देश का क्या हालत होगी, पहली बात तो ये हो गई। बात रही आर्मी शिप वहां क्यों गए थे, देखो भाई वो वहां इसलिए गए थे, दो तीन रीजन थे। पहला रीजन था IMF, IMF का रीजन मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बताता ये सलू कि IMF के पास एक लोन का डील पास साइन हुआ है, उस डील को अब हो गया है डिले। डिले का रीजन IMF ने बोला है कि और भी दो तीन कंट्री है जिसको उनको लोन देनी है, तो आपको तो हम हर बार दे देते हैं, कभी मना नहीं करते हैं क्योंकि आप मुंह उठा के हर मत आ ही जाते हो, ठीक है। लेकिन आपसे भी ज्यादा कई और मुल्क जो है उसको आपसे पहले जरूरत है, तो हम उसको पहले देंगे, उन कंट्री का पहले हो जाए फिर आपका लोन हम पास करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्रिसमस तक का। अभी क्रिसमस आ जाएगी, वहां पे छुट्टियां वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो लमसम टाइम ले लो आप फेब्रुआरी तक का, और तब तक पाकिस्तान में है इलेक्शन। अब इलेक्शन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत है, पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है लेकिन दिखाने के लिए नहीं है। ये पहली बात, जो फ्री का पैसा मिलता है वो भी खत्म हो गया है, इसलिए भाई पाकिस्तान में एक बहुत करप्शन है, बहुत रुपया है, लेकिन रुपया जो है वो बोलते हैं ना वो बुकों एज अ एंट्री में नहीं है, बाकी बहुत पैसा है पाकिस्तान में। और बाकी रही दूसरी बात, दूसरी बात है कि आर्मी शिप गए हैं अमेरिका, एक वीक से अभी तक लौटे नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोई अता पता नहीं है अभी आए नहीं, अता पता नहीं, अता पता सब कुछ है लेकिन रिटर्न नहीं आए, वो जो भी हो अब वहां पे वो क्या ऐसा आराम कर रहे हो वो तो वही जाने। लेकिन अमेरिका ने दो बातें बोल दी पैसों के लिए, पहली बात ये बोली है कि भाई हम पैसा तो दे लेकिन हमें ड्रोन हमारा जो है उसको वहां पे ड्रोन बेस बनाना है, वो पाकिस्तान में आप हमें जगह थोड़ी मतलब जगह दो ताकि हम हमारा ड्रोन बेस बना सके, और दो जगह मांगी है। एक ये डील हुआ है, फाइनल हुआ है नहीं अभी तक, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन ये एक पहली बात हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि आप भारत के साथ रिलेशन अच्छे रखो और ट्रेड स्टार्ट करो ताकि आपके मुल्क पे जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा जल्द सॉल्व आउट हो। तीसरी बात की है कि भाई चाइना से आप दूरी बना के रखो, ये दो तीन कंडीशन रखी है, मेरे को लग रहा है उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। एक की मेरे को आशा है वो यही है कि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए वो ड्रोन के लिए जगह दे सकते हैं, ये एक डील हो सकता है। बाकी दो का तो मेरे को नहीं पता क्योंकि उसके लिए तो कभी पाकिस्तान मानेगा नहीं क्योंकि उसको वो करना नहीं है करने का, क्योंकि भारत के साथ रिलेशन अच्छा बनाएगा, ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएगी, फिर आवाम कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो आवाम को कंट्रोल में रखने के लिए लोगों का कामकाज जो है वो चलता है, और जो उनको मतलब आवाम को जो मतलब बेवकूफ बनाया है वो फिर होगा नहीं सब, नहीं आवाम को फिर रोजगार मिलने लगेगा, आवाम को आवाम पैसे वाली हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, इंटरनेट का यूज करने लगेंगे लोग, एजुकेटेड हो जाएंगे, फिर इन लोगों का घर बंद हो जाएगा, सिंपल इज दैट, उसमें कुछ नया नहीं है। क्योंकि जब से मतलब अलग हुए तब से लेकर अब तक तो कश्मीर पे नाम पर ही वो लोग सब जगह मतलब मांगते फिरते हैं। कश्मीर का तो सिर्फ उन लोगों को बहाना है, उसको तो कभी पीओके नहीं चाहिए पाकिस्तान को, इसलिए तो डेवलप भी नहीं कर रहे ना कुछ, कभी नहीं चाहिए क्योंकि पता है जो पीओके चला गया भारत के पास तो उसका पैसा आना बंद हो जाएगा, और ये लोग है ना कश्मीर को ऐसे ही रखेंगे, गरीब बना के ही रखेंगे ताकि उसकी आर पे वो दुनिया को लूटते रहे, और सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं यार। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जाए या कोई भी, तो यही तो रीजन है। और आर्मी चीफ क्यों जाए यार देश में, आर्मी चीफ का थोड़ी काम है भाई, उसका काम है जाने का, कौन सा मुल्क है मतलब कौन सा देश है वहां पर ये सब आर्मी चीफ करते हैं, हमने तो पहली बार देखा। ये है काम प्रधानमंत्री का, आर्मी का काम होता है अपनी देश की रक्षा करना, वो काम छोड़ के ये सब बाकी के सब काम वो करेंगे। और हाँ ये वहां पे जाके बहाना निकाला है ये कि भाई कि अफगानिस्तान की ओर से हमला TTP हम पे कर रही है, आप उसको समझाओ,
ये नंबर वन आईएसआई एजेंसी और नंबर वन आर्मी कहाँ, मतलब क्या वो हुआ तो सबका? नंबर वन नहीं है, लंबर वन, लंबर बोलते लंबर थे ना, हमारी तो नंबर वन है। कोई नहीं दोस्तों, बातें तो बहुत है लेकिन वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम आपसे दोस्तों विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।